आपको माइक्रोटेक डेवलपर्स दिख रहा है, शोभा देखिए यहाँ पर आपको 4% की मूव दिख रही है, ओबरॉय रियल्टी ये भी 2% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। तो रियल एस्टेट एज अ पैक इंडेक्स हमें अच्छी मूव दिखा रहा है, बट माइक्रोटेक में एक बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। बाकी सारे रियल एस्टेट काउंटर्स भी मूव कर रहे हैं। एक बार माइक्रोटेक के भी चार्ट पर राय लेते हैं, 8% ऊपर ये भी इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी माइक्रोटेक जरा देखें सर, 663 का लेवल इस समय। डिप सभी में ब्रेकआउट्स हैं और इनफैक्ट लोधा डेवलपर्स का भी अगर मैं चार्ट देखता हूं तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि 600-620 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस था स्टॉक ने, जो कि एक दो दिन पहले पार किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूव है ये 720-725 तक एक से दो दिनों में एक्सटेंड हो सकती है। तो एग्जिस्टिंग पोजिशन में बने रहे, अगर कोई डिप मिलता है 625-620 के तरफ तो फ्रेश पोजिशन भी बनाई जा सकती है। फिलहाल चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि यहाँ पर और तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। ओके तो यह है आपके लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स जिस पर मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। और चोपड़ा साहब से भी कई बार हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात भी करी, उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा, इस स्पेस में अच्छी मूव यहां पर आपको आती दिख रही है। हुडको आई थिंक आज सुबह सुमित जी के रेडार पर भी था, सुबह उन्होंने बात भी करी थी, 64-68 के टारगेट्स भी दिए थे, वहां पर भी आपको सुबह मूव आती हुई दिख रही।